मरकजी हुकूमत के इक्तदार में एक साल मुकम्मल होने पर रियासती बीजेपी अकलियती मोर्चा पूरे सूबे में 1,00,000 मास्क तकसीम कर रहा है। इसी जुमरे में उज्जैन में मेंबर असेंबली डॉक्टर मोहन यादव और अकलियती मोर्चे के सूबाई सदर डॉक्टर सनवर पटेल की मौजूदगी और सरपरस्ती में अकलियती मोर्चे के ज़िला सदर फैज़ान खान ने दौलतगंज जोन में मास्क तकसीम किए। डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक अकलियती मोर्चा अपने मुनफरद कामों की वजह से सूबे में अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। कोरोना वबा के दौरान अकलियती मोर्चे का मास्क तकसीम करना काबिल सताइश है। वहीं अकलियती मोर्चे के सूबाई सदर डॉक्टर सनवर पटेल ने कहा कि मरकजी हुकूमत के एक साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से कई काम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अकलियती मोर्चा पूरी रियासत के 700 जोन में एक साथ 1,00,000 मास्क सैनिटाइजर और गमछे तकसीम कर रहा है। उज्जैन के भी 9 जोन्स में मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए हैं। पेश है अशरफ पठान की ये रिपोर्ट। कोविड-19 कोरोना की महामारी में हम सब अत्यंत परेशान हैं। सामाजिक स्तर पर ये जिस प्रकार की छूट बीमारी लगातार अपना डरावना रूप लाती जा रही है, ऐसे में निश्चित रूप से हम इससे बच सकते हैं इसमें आवश्यक दूरी रख कर दी। और ये छूट बीमारी है एक दूसरे से नज़दीक आने में ज़्यादा फैलती है, कोई खांसी छींक इत्यादि से जल्दी संक्रमण फैलता है। ऐसे मास्क बड़ी भूमिका अदा करता है। मैं हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष भाई डॉक्टर सनवर पटेल जी को और नगर जिला अध्यक्ष भाई फैजान को बधाई देता हूँ, जिन्होंने ये अभियान चला करके मास्क वितरण का कार्यक्रम भाजपा की भावना के अनुरूप चालू कराया है। निश्चित रूप से इससे आवश्यक मदद भी मिलेगी, एक दूसरे का बचाव भी कर सकेंगे, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मैं आज लगातार दूसरे मंडल में ये अभियान में सम्मिलित हुआ हूँ। उम्मीद कर रहा है ये अभियान अच्छा काम अपना इस प्रकार जारी रखेगा। वैसे भी अल्पसंख्यक मोर्चे की पूरे प्रदेश में एक अलग ही पहचान है और ऐसे अच्छे काम करने से और अच्छी साख बनती है। मेरी अपनी ओर से मास्क वितरण की बधाई। अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक मास्क वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, इसके जरिए पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा क्या संदेश दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम करने का तय किया है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपने सभी 56 संगठनात्मक जिलों में मास्क अथवा गमछा या सैनिटाइजर वितरण का कार्यक्रम कर रहा है। आज 12 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 700 मंडलों में एक साथ यह कार्यक्रम हो रहा है। हम यहाँ दौलतगंज मंडल में हमारे पूर्व अध्यक्ष जब्बार भाई के साथ खड़े हैं, मुस्तकीम खान साहब, बाबर भाई, अशरफ भाई और हकीमी जो इंजीनियरिंग है उस पर आज हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर हम सब लोग मास्क वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम उज्जैन जिला अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया है। उसके अध्यक्ष फैजान खान साहब को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पार्टी के कार्यक्रम को, संगठन के कार्यक्रम को आप इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। आज इन्होंने पूरे 9 मंडल जो उज्जैन नगर जिला में है उन 9 मंडल में कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और पूरे प्रदेश के 56 जिलों में आज लगभग 1,00,000 मास्क बांटने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है। ये कोरोना जैसी जो वैश्विक बीमारी है, जो विषम परिस्थितियां हैं, उससे लड़ने में ये हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों को सहयोग देंगे ये मास्क। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द यह बीमारी यहां से और पूरी दुनिया से भाग जाए और हम कम से कम जल्द भारत इस कोरोना से जीते और ये कोरोना